नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग में मैं आरपी व्यास, डिप्लोमा और बीटेक कर रहे सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं सिविल में अथवा मैकेनिकल ब्रांच में भी ये कॉमन है, और बीटेक कर रहे हैं, तो एक चैप्टर है शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, यानी कि अपरूपण बल एवं बंकन आघूर्ण या नमन आघूर्ण। तो मैं इस पे बेसिकली आपको समझाने जा रहा हूँ इस वीडियो में आज शीयर फोर्स के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में शीयर फोर्स के बारे में समझाने जा रहा हूँ। शीयर फोर्स को हम हिंदी में अपरूपण बल अथवा कई बार कर्तन बल भी कहते हैं। देखिएगा, अपन बात कर रहे हैं शीयर फोर्स इन बीम्स, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बीम्स का बहुत महत्व है, और बीम के जब डिजाइन करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस सेक्शन पर कितना शीयर फोर्स है, ताकि उसकी डिजाइन करने में आसानी हो। तो सबसे पहले तो मैं इसकी परिभाषा आपको समझा देता हूँ, और उसके बाद आज इस वीडियो में हम कैंटिलीवर बीम के अंदर शीयर फोर्स कैसे निकालते हैं किसी भी सेक्शन पर, इस पर चर्चा की जाएगी। तो पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि किसी भी, मैं इसकी परिभाषा लिखवा रहा हूँ, मैं आपको इसकी परिभाषा लिखवा रहा हूँ शीयर फोर्स की। तो पहले हिंदी में बोल देता हूँ, धरन के किसी खंड पर, धरन के किसी खंड पर अपरूपण बल उस खंड के बाईं अथवा, यहाँ अथवा पे जोर दे रहा हूँ मैं, ये अथवा है, यानी कि और ओ आर, ये एंड नहीं है, ए एंड ई नहीं है, बाई अथवा दाई ओर के सभी ऊर्ध्वाधर बलों का बीजीय योग होता है, बीजीय योग होता है, ठीक है ना। ये अपरूपण बल की परिभाषा है धरण के किसी भी खंड पर, कि धरण के किसी भी खंड पर अपरूपण बल उस खंड के बाईं अथवा दाईं ओर के सभी ऊर्ध्वाधर बलों का बीजीय योग होता है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं इंग्लिश में तो क्या करूंगा, शीयर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ ए बीम इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस आइदर टू द लेफ्ट और भी जोर दे रहा हूँ मैं, एंड नहीं और है, और टू द राइट ऑफ दैट सेक्शन। शीयर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ ए बीम इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ दैट सेक्शन। मैं इसको कैंटिलीवर बीम के लिए अभी एक्सप्लेन करूँगा। एक बात आप ध्यान से सुन लें तो अच्छा रहेगा, ये वीडियो आपको पूरा देखना है। अगर 18-20 मिनट 25 मिनट कोई चीज़ को सुना जाए ध्यान से और वो बहुत अच्छा समझ में आ जाए, जो कि कई बार आप कई घंटों पढ़ने के बाद भी ना समझें, तो वो सुनना बुरा नहीं है, वो देखना बुरा नहीं है।
और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपसे मैं एक बात अपने मन की बात बता रहा हूँ, लेकिन अच्छा लगे तो, वरना नहीं तो डेफिनेशन। तो ये हो गया डेफिनेशन। अब देखिए अपन शेयर फोर्स को कहाँ कहाँ समझ सकते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ रूटीन वे के अंदर। जैसे अपन जो होता ना प्लेनर, यानी कि लकड़ी को समतल करने के लिए जो रंधा होता है, जब हम रंधे से किसी लकड़ी की सतह को काट कर समतल करते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें शेयर फोर्स आता है। या आप लकड़ी के ऊपर रंधे को चलाते हैं तो वो स्पर्शी गति करता है, टेंजेंशियल मोशन करता है, ठीक है ना। तो ये एक तरह का शेयरिंग हो गया, यानी एक फोर्स किसी सेक्शन के एक तरफ लेफ्ट में, एक तरफ अगर लगता है नीचे तो दूसरी तरफ लगता है ऊपर। अपन सामान्य काम जब करते हैं, जैसे शेविंग करते हैं, तो जो रेजर से जो बाल कटते हैं ना, वो भी शेयरिंग का एग्जांपल है। नाखून काटते हैं, वो भी शेयरिंग का एग्जांपल है। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, शेयरिंग के। लेकिन वो बात अभी हम किसकी कर रहे हैं, शेयरिंग फोर्स इन बीम्स। मैंने आपको शेयरिंग फोर्स के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए थे रूटीन वे के अंदर। अब बीम की बात करते हैं। चलो हम एक काम करते हैं कि एक बीम बना लेते हैं 5 मीटर लंबी। मैंने 5 मीटर लंबी एक बीम बना ली, और ये कैसी बीम है, कैंटिलीवर, यानी कि प्रासधरन। ये बीम ले रहा हूँ कैंटिलीवर, और इसके ऊपर 1 मीटर पर शुरुआत में हमने एक पॉइंट रोड लगा देना है यहाँ पे, और यहाँ से 1 मीटर पर ये दूसरा पॉइंट रोड होगा, फिर 2 मीटर पर यहाँ तो यूडीएल लगाएंगे। तो ये लगा हुआ यहाँ पे यूडीएल, और ये लगाया हमने यहाँ पे पॉइंट लोड। ये पॉइंट लोड है 5 किलो न्यूटन, ये पॉइंट लोड है 10 किलो न्यूटन, और ये यूडीएल है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। एक हम पॉइंट और ले लेते हैं बीच में कहीं पे ई, अपनी बात को समझाने के लिए मैं उसका प्रयोग करूँगा। और ई जो मैंने लिया है वो यहाँ से 0.5 मीटर दूरी पर लिया है, ये मैंने जो डिस्टेंस रखी है यहाँ से यहाँ तक रखी है 1 मीटर, ये मैंने रखी है 0.5 मीटर, ये रखी मैंने 1.5 मीटर, और ये रखी मैंने 2 मीटर। अब हम शेयर फोर्स की जो बात कर रहे हैं कैंटिलीवर के लिए, उसको समझाने की कोशिश आपको करेंगे। तो सबसे पहला जो काम होता है आपको, जब किसी भी सेक्शन पर शेयर फोर्स निकालना है, तो आप अच्छी तरह दिमाग बढ़ा लें। हम किसी भी साइड से निकाल सकते हैं, हम लेफ्ट से भी निकाल सकते हैं, हम राइट से भी निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा दोनों और डिटेल से, लेकिन परीक्षाओं में आपको उस साइड से निकालना चाहिए जिस साइड में लोड कम हो, ताकि आपकी कैलकुलेशन में समय कम लगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम यह है कि हमको निकालनी पड़ेगी रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन नहीं निकालेंगे तो लेफ्ट साइड से शेयर फोर्स की गणना नहीं कर पाएंगे। अब ये कैंटिलीवर बीम है, और आप जानते हैं कि कैंटिलीवर बीम में केवल एक ही सपोर्ट होता है, और ये होता है फिक्स्ड, यानी जितना भी लोड आ रहा है इस बीम के ऊपर वो सारा इस सपोर्ट के द्वारा लिया जा रहा है। इसका मतलब अगर हम कहें कि ये प्रतिक्रिया यानी ये रिएक्शन यहाँ पे जो है आ रही है,
आर ए का मतलब रिएक्शन एट ए, तो किसके बराबर है? जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं डाउनवर्ड, उन सारे फोर्सेस को ही अकेला सपोर्ट रजिस्ट करेगा, उसका प्रतिरोध करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आर ए है वो किसके बराबर है? 5 नीचे लग रहा है, 10 नीचे लग रहा है, और ये 2 kN/m है, और दूरी कितनी है कुल मिला के? ये 1.5 और आधा 2 मीटर, तो प्लस 2×2। और अब देखेंगे तो 2, 5 और 10, 15, प्लस 2×2 = 4, यानी कि 19 kN। तो ये 19 kN की प्रतिक्रिया हो गई। द रिएक्शन एट ए इज 19 kN। अब हम विभिन्न खंडों पर, वेरियस सेक्शंस पर शीयर फोर्स निकालने की बात समझेंगे। एक बात आप तय समझ लें, किसी भी सेक्शन पर, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, जैसे मान लीजिए कोई भी सेक्शन है, जितना फोर्स ऊपर होगा उसके राइट में, उतना ही फोर्स नीचे होगा उसके लेफ्ट में। ये बात समझें इस चीज़ को आप। जैसे राइट में 5 kN ऊपर है तो लेफ्ट में भी 5 kN ऊपर ही होगा। अगर राइट में 10 kN नीचे है तो लेफ्ट में भी 10 kN लेकिन ऊपर होगा। यानी ये बात पक्की है कि जितना फोर्स लेफ्ट में होगा उतना ही फोर्स राइट में होगा। मान लीजिए हमने कहा कि लेफ्ट के अंदर कोई फोर्स है F1, वो ऊपर है, तो वही फोर्स F1 राइट में नीचे होगा। ये बात मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैं कुछ सेक्शन लूँगा इस बात को समझाने के लिए, इस कैंटिलीवर बीम के लिए, और उन पर अपन शीयर फोर्स की गणनाएं करेंगे, है ना। देखिए आप, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ सेक्शन डी। मैं अभी शीयर फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी शीयर फोर्स को समझाना के लिए जो बातें समझानी उसको समझा रहा हूँ। तो देखिएगा एट डी आप देखेंगे, अगर डी बिंदु पर, ये रहा डी पॉइंट, ये रहा डी पॉइंट। मैंने आपको क्या कहा था कि किसी भी सेक्शन पर शीयर फोर्स जो होता है वो उस सेक्शन के लेफ्ट या राइट में लगने वाले वर्टिकल फोर्सेस की एल्जेब्रिक सम होता है। अब आप ध्यान से अगर देखें तो डी के राइट के अंदर 3 फोर्स हैं, ये 5, ये 10 और ये UDL। तो 5 + 10 और UDL की लंबाई कितनी है? 2 मीटर, 2×2, तो 5 + 10 + 2×2 = 15 + 4 = 19 kN। ये राइट से देखा मैंने और नीचे लग रहा है, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ। आर का मतलब हो गया राइट, यानी डी पॉइंट पर मैंने राइट में देखा, उसके दाईं ओर देखा, तो 19 kN का जो फोर्स है वो नीचे लग रहा है। अगर मैं डी पर लेफ्ट में देखूँ, ये देखिएगा, ये जो डी पॉइंट है ना, अगर मैं इसके लेफ्ट में देखता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एक साथ दोनों काम नहीं करना है, राइट और लेफ्ट में एक साथ ही देखना है। अगर राइट की बात करता हो तो आपको राइट में ही देखना है, लेफ्ट में नहीं देखना है। राइट में देखा आपने, ये 5 और 10 = 15 और 2×2 = 4 मीटर, 2×2 = 4 kN, यानी 2 kN/m है ना, और दूरी कितनी है? 2 मीटर, तो 2×2 = 4 kN हो गया। तो 5, 10, 15, 4, 19। अब लेफ्ट में देखेंगे, इसके लेफ्ट में देखिएगा, इसके लेफ्ट में लग रहा है 19 ऊपर, ये लग रहा है 19 kN ऊपर की तरफ। यानी अगर मैं कहता हूँ ये डी है, डी सेक्शन है, तो इसके राइट के अंदर 19 kN नीचे है और लेफ्ट के अंदर 19 kN ऊपर है। ये वो फोर्स है जो इस सेक्शन को, यानी बीम को इस सेक्शन पर काटने की कोशिश करता है। अब काट पाता नहीं काट पाता वो अलग मैटर है। अगर बीम का जो मटेरियल है इतने स्ट्रांग है, बीम मजबूत है, हो सकता है इसको सहन कर ले, नहीं तो बीम फेल हो जाएगी। अभी हमारा उद्देश्य डिजाइन करना नहीं है, अभी हमारा उद्देश्य है ये पता लगाना
कि बीम के किस सेक्शन पर कितना शेयर फोर्स है। तो हम कह सकते हैं बीम का जो ये सेक्शन डी है इसके ऊपर 19 किलो न्यूटन का अपरूपण बल कार्य कर रहा है। ए शेयर फोर्स ऑफ 19 किलो न्यूटन इज एट द पॉइंट डी और सेक्शन डी ऑफ द कैंटिलीवर बीम। अब देखिएगा, मान लीजिए हमको सी पर निकालना है, एट सी, एट सी। अब देखिए सी पर क्या समस्या आ रही है। सी पर देखेंगे आप ध्यान से अगर, तो ये पॉइंट लोड है। देखिए पॉइंट लोड को अपन हिंदी में कहते हैं बिंदु भार या संकेंद्रित भार, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट लोड या कंसेंट्रेटेड लोड। बिंदु की परिभाषा क्या होती है? बिंदु वह ज्यामिति आकृति होती है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है। पॉइंट इज दैट ज्योमेट्रिकल फिगर हुज देयर इज नो लेंथ, नो विड्थ, नो थिकनेस। यानि आपको इस सी बिंदु पर अगर निकालना है शेयर फोर्स, तो हम एग्जैक्टली सी पर निकाल नहीं पाएंगे। कारण क्या, मैंने आपको क्या बताया परिभाषा के अंदर, व्हाट इज डेफिनेशन, कि धरन के किसी खंड पर अपरूपण बल उस खंड के बाई अथवा दाई, तो देखो बाई और दाई यानी कि लेफ्ट और राइट, अगर हम सी पे निकालेंगे ना तो हमको सी के राइट में देखना पड़ेगा और या फिर सी के लेफ्ट देखना पड़ेगा। अगर आप एग्जैक्टली सी पे खड़े हो जाएं और राइट में देखें तो ये 10 तो छिप ही जाएगा। जो सी पे फोर्स लग रहा है पॉइंट लोड 10 किलो न्यूटन, वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि सी के राइट में 10 नहीं आ रहा है। अगर सी के लेफ्ट में बात करेंगे तो भी ये 10 नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सी, आप तो सी पर खड़े हैं। तो जब कभी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, जब कभी किसी ऐसे जगह पर, किसी ऐसे खंड पर, किसी ऐसे सेक्शन पर आपको शेयर फोर्स निकालना है जहाँ पॉइंट लोड कार्य कर रहा है, जहाँ कोई बिंदु भार कार्य कर रहा है, जैसे कि बी, जैसे कि सी, जैसे कि ए, जहाँ ये रिएक्शन है, रिएक्शन भी पॉइंट लोड ही होता है, तो जहाँ पर एक पॉइंट लोड कार्य करता है वहाँ पर आपको शेयर फोर्स दो बार निकालना होगा, एक बार उसके जस्ट राइट में, एक बार जस्ट लेफ्ट में। यानी आप अगर सी पर शेयर फोर्स निकालते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि इसके जस्ट राइट में कितना है और इसके जस्ट लेफ्ट में कितना है। यानी कि किसी बिंदु भार लगने वाले पॉइंट पर, पॉइंट लोड लगने वाले सेक्शन पर आपको शेयर फोर्स की गणना दो बार करनी पड़ेगी। उस पॉइंट पर शेयर फोर्स के दो वैल्यूज होंगी, एक बार उसके जस्ट राइट में, एक बार जस्ट उसके लेफ्ट में। अब जरा देखिएगा, हम जब सी की बात करते हैं तो यह दो बात करूँगा मैं। पहला, जस्ट टू द राइट ऑफ सी, दूसरी बात करूंगा मैं जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब देखिए मैंने सी सेक्शन ले लिया, ये सेक्शन सी है, और इस सी सेक्शन के मैं जस्ट राइट में खड़ा हो जाऊं, मान लीजिए मैं यहाँ पे, जस्ट राइट का मतलब हो गया इससे बिल्कुल नेगलिजिबल डिस्टेंस पे, ये वाला। एक्चुअली मैं अगर जस्ट टू द लेफ्ट बोलता हूँ, जस्ट टू द राइट बोलता हूँ, वो दोनों सी ही होते हैं, लेकिन बिल्कुल उसके नेगलिजिबल डिस्टेंस पर। अब अगर मैं इस सी के जस्ट राइट में खड़ा हो जाऊँ, मैंने कहा ना आपको सी पे पॉइंट लोड लग रहा है और बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, तो जैसे ही मैं इस बिंदु के राइट में आ जाऊँगा और उसके राइट में ही देखूंगा तो ये बिंदु भार, ये पॉइंट लोड नहीं आएगा। यानी जब मैं इस सी पॉइंट के राइट में खड़ा होकर, राइट का मतलब जस्ट राइट में खड़ा होकर राइट में देखूंगा तो मुझको 5 किलो न्यूटन का फोर्स नज़र आ रहा है। कितना आ रहा है? 5। तो ये हो गया नीचे की तरफ 5 किलो न्यूटन। अब अगर किसी सेक्शन के राइट में देखने पर 5 किलो न्यूटन नीचे की तरफ है तो उस सेक्शन के लेफ्ट में देखने पर भी 5 किलो न्यूटन ही आएगा, लेकिन वो ऊपर होगा। अब कैसे हो गया आप देख लीजिएगा, कर लो कैलकुलेशन आप। अगर मैं
इस सी के लेफ्ट में देखूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूं अभी किसकी, मैं बात कर रहा हूं जस्ट टू द राइट ऑफ सी, यानी अगर मैं इस सी के राइट में खड़ा हूं, यहां खड़ा हूं सी के जस्ट राइट में, और लेफ्ट में देख रहा हूं तो ये 10 का लोड नीचे लग रहा है, नहीं लग रहा है? मैं जब सी के राइट में खड़ा होता हूं और राइट में देखता हूं तो 10 नहीं दिखेगा, लेकिन जब मैं सी के राइट में खड़ा होता हूं और लेफ्ट में देखता हूं तो 10 नज़र आएगा। अब देखिए 10 तो हो गया नीचे, ये 2 × 2 = 4 हो गया नीचे, तो कितना नीचे हो गया, 10 और 4 = 14, और ये 19 है ऊपर, 19 तो है ऊपर और 14 है नीचे, इसका मतलब 19 में से 14 गए तो 5 हो गया ऊपर, ये 5 हो गया ऊपर। कैसे हुआ था ये, मैं आपको यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ एक बार से, और ये स्टार का मीनिंग समझा देता हूँ, इसका मीनिंग यहाँ पे, ऊपर जो है वो तो था 19 और नीचे जो थे 2 लग रहे थे सी के लेफ्ट के अंदर, मतलब उस सी के जस्ट राइट में जो सेक्शन लिया था ना उसके लेफ्ट में 10 नीचे, ये 10 नीचे, और ये था UDL, ये पॉइंट लोड नहीं है, ये UDL है, UDL है, वो कितना लग रहा था 2 × 2 = 4, ये लग रहा था 4 किलो, ये UDL था भाई, UDL था, तो ये भी नीचे ही था, ये मतलब ये मेरे मतलब डायरेक्शन है, ये भी नीचे वो भी नीचे, नीचे कितना हो गया 14, ऊपर कितना हो गया 19, तो कितना रिजल्ट आ गया, 19 में से 14 गए तो 5, किधर हो गया 5 ऊपर, ये 5 ऊपर हो गया। इसी तरह से अगर हम मैं इस सी के जस्ट लेफ्ट में आ जाऊं, जैसे मान लीजिए इस सी के जस्ट लेफ्ट में आ गया, ये मैंने सी का जस्ट लेफ्ट ले लिया, मैं बार बार कह रहा हूँ जब सी का जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट होता वो सी ही है, लेकिन वो पॉइंट लोड के कारण वो पॉइंट लोड जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा, एक साइड में आएगा। अगर मैं सी के थोड़ा सा लेफ्ट में आ जाऊँ और राइट में देखूँ, अब मुझको ये 2 फोर्स नज़र आएंगे, 5 भी आएगा और 10 भी आएगा, यानी 15 हो गया, 15 नीचे हो गया। अगर 15 नीचे है तो 15 ऊपर भी तो होना चाहिए लेफ्ट में, और है बिल्कुल, देखिए आप, देखिए बिल्कुल आप, अगर आप सी के जस्ट लेफ्ट में खड़े होकर लेफ्ट देखेंगे, जब आप सी के लेफ्ट में खड़े हैं और लेफ्ट में देख रहे हैं तो आपको ये 10 नज़र नहीं आएगा, अब आपको नज़र आएगा ये UDL जो कि 2 मीटर लंबा है और 2 किलो पर मीटर है, 2 × 4 नीचे और 19 ऊपर, 19 ऊपर है और 4 नीचे, 19 में 4 घटाया तो हो गया आपके 15, ये हो गया 15। अब आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, आप ध्यान से इसको देखिएगा, मैं ये 2 पॉइंट और ले रहा हूँ, ए और बी, ए एट ए, अगर मैं जस्ट टू द राइट ऑफ ए लूं और एक जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए लूं तो कितना आएगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा, और इसी वीडियो में अगले कुछ मिनट के अंदर मैं इसका आंसर दूंगा आपको। और अगर मैं बी लेता हूं एट बी, इसमें भी जस्ट टू द राइट ऑफ बी और एक है जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ बी, अब उसका उत्तर आपने निकाल लिया होगा। जैसे बी, मैं अगर बी के जस्ट राइट में खड़ा होता हूँ और राइट में ही देखता हूँ तो केवल हवा है, कुछ नहीं यहाँ पर,
कोई लोड नहीं है। मैं इस बीम के अंत में खड़ा हो गया, बी पे उसके भी जस्ट राइट में, और राइट में देख रहा हूँ कुछ नज़र नहीं आएगा, यानी कि जस्ट टू द राइट ऑफ बी कितना हो गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नीचे की तरफ कोई फोर्स है क्या, कुछ नहीं है, जीरो, तो ऊपर की तरफ भी कुछ नहीं होगा, जीरो होगा, यानी कोई फोर्स ही नहीं होगा, कुछ फोर्स नहीं होगा, जीरो कैसे हुआ। अब आप देखिए ज़रा, अगर मैं बी के राइट में खड़ा हूँ, बी के राइट में खड़ा हूँ और लेफ्ट में देखूँगा तो जीरो ही आएगा, क्योंकि लेफ्ट के अंदर ये पाँच और दस पंद्रह और ये चार उन्नीस तो नीचे है और वो उन्नीस ऊपर है, जितना ऊपर उतना नीचे, रिजल्ट ज़ीरो। तो आप ये कह सकते हैं कि बी पॉइंट के अगर मैं जस्ट राइट में खड़ा होता हूँ, ध्यान से सुनेगा, बी के जस्ट राइट में खड़ा होता हूँ, तो जब कोई बीम ही नहीं है ना यहाँ पे, तो मैं तो बीम के बाहर निकल गया, तो जरूरी होना है शेयर फोर्स यहाँ पर। तो अब मैं बात करता हूँ बी के जस्ट लेफ्ट में, अगर मैं बी के लेफ्ट में आ जाऊँ, यानी थोड़ा सा बी के लेफ्ट में आ जाऊँ, मैं इस बी पॉइंट के लेफ्ट में खड़ा हो गया और अब मैं राइट में देख रहा हूँ, तो ये पाँच आएगा, यानी कि ये पाँच आएगा अगर मैं बी के जस्ट लेफ्ट में खड़ा हो जाता हूँ, तो ये पाँच आएगा नीचे। अगर ये पाँच नीचे है तो लेफ्ट में देखने पर पाँच ऊपर आएगा, डेफिनेटली आएगा। आप देखिएगा जो पॉइंट बी है ना, ये जो पॉइंट बी आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट बी, मैं इस पॉइंट बी के जस्ट लेफ्ट में खड़ा हूँ और लेफ्ट में देख रहा हूँ, जब मैं लेफ्ट में देखूँगा तो ये पाँच नज़र नहीं आएगा, भूल जाओ इस पाँच को, ये राइट में दिख रहा था। और अब देखिए ये दस नीचे, दो दूनी चार नीचे, तो चौदह नीचे हो गया और ऊपर कितना, उन्नीस, तो उन्नीस में से चौदह घटा दो, पाँच बच जाएगा, ऊपर की तरफ उन्नीस ऊपर है ना, इसलिए तो ये देखो पाँच हो गया ऊपर। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एंड बी है कैंटिलीवर का, उस पर शेयर फोर्स सडनली चेंज हो रहा है, सडनली चेंज हो रहा है, जीरो से पाँच हो रहा है। एकदम देखिए शुरुआत में जीरो था, अचानक पाँच हो गया, ये सडन चेंज हो रहा है। तो जब हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो इस बात का बड़ा महत्व होगा। अब बात करते हैं अपन ए की, ए के जस्ट राइट में, पहले देखिएगा ए के जस्ट राइट में, देखिए मैं ए पे खड़ा हूँ और वहाँ भी उसके जस्ट राइट में खड़ा हूँ, देखिएगा ये ए है ना, ये मैं जस्ट राइट में आ गया इसके, एक्चुअली डिस्टेंस नेगलिजिबल है, मैं ए के जस्ट राइट में खड़ा हो गया और राइट में देख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं ए के राइट में खड़ा हूँ, यानी कि इस पॉइंट के राइट में आ गया और देख भी राइट में रहा हूँ, तो ये रिएक्शन 19 नज़र नहीं आएगी, क्योंकि 19 तो ए पर लग रही है और मैं ए के राइट में खड़ा हो गया, राइट में देख रहा हूँ, तो ये 19 नहीं आएगी, इसका वाली बाकी ये सारे आएंगे, कितने आएंगे, 5 और 10 15 और 4 19, यानी कि ए के जस्ट टू द राइट ऑफ ए आएगा। जैसे ये जस्ट टू द राइट ऑफ ए बात कर रहे हैं अपन, तो जस्ट टू द राइट ऑफ ए, तो 19 आ रहा है नीचे, अगर 19 नीचे है तो 19 ऊपर भी तो होगा, लेफ्ट देखने पर ये डेफिनेशन है, और है बिल्कुल, कहाँ नहीं है, देखिए आप, अगर मैं इस ए के जस्ट राइट में खड़ा हूँ और लेफ्ट में देख रहा हूँ, मैं किसी पॉइंट के राइट में खड़े होकर लेफ्ट देखूँगा तो वो पॉइंट लोड मुझे नज़र आएगा, जो कितना है 19 और ऊपर है वो, इसका मतलब ये हो गया 19 ऊपर। तो आप देखिएगा सेक्शन ए के जस्ट राइट में 19 किलो न्यूटन का एक फोर्स है जो बीम को काटने की कोशिश करता है, बीम को शेयर करने की कोशिश करता है, बीम के ऊपर कर्तन बल लगाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। अब बीम विफल होती है कि सफल होती है वो बात की बात है, लेकिन हाँ 19 किलो न्यूटन का शेयर फोर्स, जैसे कैंची से कपड़ा काटते हैं ना अपन, कैंची से कपड़ा काटते हैं, तो एक तरफ जो है वो कैंची का नीचे चलता है, एक तरफ ऊपर चलता है, तब तो कपड़ा काटता है, ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए, अब लेफ्ट की तरफ ये आएंगे तो मैं अगर कह दूँ इधर नीचे है उधर ऊपर है, दोनों जीरो ही होंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का, या चौथ इसको ऊपर कर दो इसको नीचे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या, देखिएगा आप ए के लेफ्ट में आ गए, ये लो आ गए,
ये आप ए के लेफ्ट में आ गए, ये लो मैंने ए का लेफ्ट ले लिया। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार चीज़ दोहरा रहा हूँ, जस्ट टू द लेफ्ट कह रहा हूँ मैं, यानी ए के जस्ट लेफ्ट में। इसलिए मैंने पॉइंट को डिफाइन किया था, जिसकी भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। लेकिन ये जो रिएक्शन है वो पॉइंट लोड है, यानी जो 19 किलो न्यूटन का जो लोड लग रहा है, कि जो रिएक्शन हो रही है वो इस पॉइंट पर हो रही है, वो इसके जस्ट लेफ्ट में राइट में नहीं हो रही, वो पॉइंट पर ही हो रही है। ये जो पॉइंट लोड लग रहे हैं 10 और 15, ये उन पॉइंट पर ही लग रहे हैं, उसके राइट लेफ्ट में नहीं लग रहे, जो नहीं लग रहे हैं ये। अगर मैं ए के जस्ट लेफ्ट में आता हूँ, जस्ट लेफ्ट में आता हूँ और लेफ्ट में ही देखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं ए के लेफ्ट में आ गया, यानी बीम से बाहर निकल गया और लेफ्ट में ही देख रहा हूँ, तो कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब जीरो। और अगर मैं इस ए के लेफ्ट में हूँ, लेकिन लेफ्ट में तो हूँ मैं, लेकिन राइट में देख रहा हूँ, मैं ए के लेफ्ट में खड़ा हूँ लेकिन राइट में देख रहा हूँ, तो चूँकि मैं ए के लेफ्ट में आ गया, इसलिए ये मुझको 19 दिखेगा ऊपर, और ये सारे यानी 19 दिखेंगे नीचे, 19 माइनस 19 हो गया ज़ीरो। ये मैं आपको पहले ही शो कर चुका हूँ। यानी हम कह सकते हैं कि ए पॉइंट पर जो शेयर फोर्स है वो 19 किलो न्यूटन से ज़ीरो होता है, यहाँ भी सडन चेंज हो रहा है। बी पॉइंट पर फोर्स 0 से 5 होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मिनिमम तो 0 और मैक्सिमम 19 किलो न्यूटन का जो शेयर फोर्स इस बीम के अंदर होगा, अलग अलग सेक्शन पर अलग होगा। ये मैंने आपको शेयर फोर्स के बारे में समझाने की कोशिश की है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप उसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और एक बात और, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 12, 11, 10th, 9th, 8th, 7th, 6th मतलब 6ठी से 12वीं की मैथमेटिक्स भी लेता हूँ, क्लास 6 से क्लास 12 की मैथमेटिक्स। और ये मेरे मोबाइल नंबर है 95 21 66 30 64, आप नोट कर लीजिएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट एक बात समझ लें कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है, यूट्यूब पर कोई पैसा नहीं लगता, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो अगर मुझे इस मोबाइल नंबर पर कोई प्रॉब्लम आएगी आपकी, अपने नाम पते के साथ भेजेंगे, पूरा डिफाइन करके अपने आप को, आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो मैं उन प्रॉब्लम्स को बेस मानकर अपने नए वीडियो बनाऊंगा और आपको हम उसका लिंक बता देंगे, ठीक है ना। इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।